अच्छा जी, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। अच्छा, हमारी वैसे कोशिश होगी ना कि हम हर क्लास में एटलीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, ठीक है, हर क्लास में। तो इसके टोटल हमने 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं एक्चुअली, तो 8 क्लासों में ये चैप्टर हमारा हो जाए, ठीक है। 8 क्लासों का मतलब है कि अच्छा खासा टाइम, बाय द वे, कि हमारी वीक में 2 क्लास होती है ना, तो महीने में हमारी 4 क्लास हो गई, नहीं सॉरी, 8 क्लासेस हो गई, ठीक है। तो एक महीने में हमारा, अभी ये जब से हमने ये बुक शुरू की है, तो एक महीने में एटलीस्ट हम ये HTML की बुक तो कंप्लीट कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है 1 महीना। तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि यार एक चैप्टर तो हम कंप्लीट कर लें ना एक क्लास के अंदर। अच्छा जी, तो इस में ये क्या बता रहा है जी, नंबर्ड लिस्ट के बारे में जिक्र कर रहा है, बुलेट लिस्ट के बारे में जिक्र कर रहा है, और डेफिनेशन लिस्ट के बारे में जिक्र कर रहा है। अच्छा, इसमें से नंबर्ड और बुलेट लिस्ट तो हम पहले ही जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ज़रा उसके नीटी ग्रिटीज देख लेते हैं और हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देयर आर लॉट्स ऑफ ओकेजन्स व्हेन वी नीड टू यूज़ लिस्ट। HTML प्रोवाइड अस विथ 3 डिफरेंट टाइप्स। 3 तरह की लिस्ट HTML के अंदर मौजूद है। नंबर 1 ऑर्डर्ड लिस्ट, नंबर 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट, और नंबर 3 डेफिनेशन लिस्ट। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि कहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का इस्तेमाल होगा? हाँ, मैं यही सवाल है मेरा कि नंबरिंग की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी मुझे, मतलब जहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जी जी दोस्त, अब बोलो बोलो। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, जोर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, स्पेसिफिक लिस्ट तो है, वो तो समझ गया मैं, लेकिन नंबर कहाँ पे रिक्वायर्ड होगा लिस्ट के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, जहाँ पे हमारे पास तादाद फिक्स होती है, जैसे अगर हम नमाज के एग्जांपल ले रहे हैं, 5 नमाज होती है हमारे पास, तो हम ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं। जहाँ पे फिक्स नहीं होते तो हम वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की इन्होंने यार, कि जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटम्स पता नहीं होते, शायद वहाँ पे भी हम बुलेट लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो इस बुक में इन्होंने बात जिक्र की है, वो यही जिक्र की है कि यार जहाँ पे हमें सीक्वेंस मैटर करता है, तो वहाँ पे जो है ना, हम 1 2 3 वाला लिस्ट बनाते हैं कि जी पहले नंबर पे यही होना चाहिए और दूसरे नंबर पे यही होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? बुलेट वाली लिस्ट कोशिश करते हैं हम बनाएं, ठीक है, ये बताने के लिए कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। अच्छा, तो मिसाल के तौर पे जैसे कोई मुझे कोई खाना पकाना है अगर, तो उसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसकी एक लिस्ट मुझे चाहिए होगी ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे चावल पकाने हैं, तो चावल पकाने के लिए शायद यहाँ पे जो चावल मैंने देखे हैं उसमें वो किशमिश डालते हैं, और वो गाजर भी बारीक कटी हुई डालते हैं, कुछ जगहों पे उसमें चना भी होता है, और फिर गोश्त होता है उसके अंदर। अच्छा, तो ये इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट है कि जी मुझे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल चाहिए होंगे उसको बनाने के लिए। अच्छा, तो ये इसका सीक्वेंस तो मैटर नहीं करता ना, पहले मैं चावल ख़रीद लूँ या पहले मैं चना ख़रीद लूँ, तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो बनेगी डिश, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे हम आमतौर पे क्या करते हैं, बुलेट वाली लिस्ट लगाते हैं, 1 2 3 वाली नहीं लगाते। अच्छा, लेकिन अब जो उसको अब आगे बनाने की जो जो स्टेप्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद पहले चावल को बॉयल करना पड़ता होगा, मे बी सही है, और शायद चने को अलग से बॉयल करना पड़ता होगा, और फिर समहाउ उसके अंदर कोई मसाले वगैरह डलते होंगे। तो अब ये नहीं हो सकता कि मैं बॉयल बाद में करूँ, मसाले पहले डाल दूँ चावल में, है ना, ये नहीं हो सकता, इसमें मसला पड़ जाएगा। या मिसाल के तौर पे जो चीज़ लास्ट में डलने वाली है, जैसे अब मुझे तो चाय बनानी आती है ये चावल वावल तो बनाने आते नहीं है, तो चाय की अगर मैं मिसाल दूँ कि चाय में क्या होता है कि पहले पानी को गर्म करते हैं और उसके बाद उसके अंदर पत्ती वगैरह डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं उसमें, ठीक है। तो अब कोई अगर बिल्कुल ही होगा जिसको कभी चाय बनानी नहीं आती होगी, तो वो शायद क्या करे,
वो चीनी पत्ती वत्ती सब डाल दे पानी में डायरेक्ट, और फिर उसको चूल्हे पे चढ़ाए, तो वो चाय नहीं कुछ और ही बन जाएगा फिर। ठीक है, चाय तो बन जाएगी लेकिन वो फिर फ्लेवर नहीं आएगा उसका। बाय द वे यहाँ पे मैंने देखा है जो ग्रीन टी बनाते हैं, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा किस तरह बनाते हैं, तो उन्होंने कहा पहले यार हम पानी में पहले चीनी को डालते हैं और उसको खौला के ना जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें पत्ते डाल के और उसको ढक देते हैं, और बस फ़ौरन उसको चूल्हे से भी अलग कर देते हैं, बिल्कुल सर, फिर वो वो खुद से ही स्टीम पे पकता है। अच्छा, लेकिन जो कराची में जो हम चाय बनाते हैं दूध पत्ती वाली, वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसके अंदर हम पहले क्या करते हैं कि पानी को गर्म करके ना उसमें सबसे पहले पत्ती डलती है और वो अच्छी तरह खौलती है, उसको अच्छी तरह खौला के उसको फिर अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो है उसमें चीनी अलग से डाल रहे होते हैं, या तो पतीली, समटाइम पतीली में भी डाल देते हैं अगर सब लोगों ने चीनी वाली पीनी है, या फिर उसको डायरेक्ट कप में डालते हैं। तो ये ज़रा एक उसका टेस्ट इस तरह आता है। और दूध को अलग से गर्म करते हैं, समटाइम दूध को मिक्स भी कर देते हैं लेकिन लास्ट में करते हैं, शुरू में पत्ती जो है वो खाली पकती है सिर्फ पानी के अंदर। तो अब ये जो स्टेप्स हैं अगर ये मैटर करते हैं तो इसको मुझे 1 2 3 करके लिखना चाहिए, है ना, कि अगर कोई काम पहले होगा तो पहले ही होगा ये। या मिसाल के तौर पर जैसे एक घर बनता है तो इसमें ज़ाहिर है पहले ब्लॉक्स लगेंगे, फिर उसके बाद ही प्लस्तर होगा, फिर उसके बाद ही कलर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले कलर हो जाए प्लस्तर बाद में, ये नहीं हो सकता। तो सीक्वेंस मैटर कर रहा होगा, तो वहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिस्ट लगाएंगे। अच्छा, ये आप सब लोगों को इसका कोड तो पता है, इसको मेरे ख्याल है देखने की ज़रूरत तो नहीं है। सर ठीक है, OL करके ये 1 2 3 वाली लिस्ट आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसी तरह ये UL करके जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं कि ये डेफिनेशन लिस्ट क्या वाला है। डेफिनेशन लिस्ट वो वाला है कि आप लोगों ने स्कूल में वो पढ़ा होगा कि वर्ड मीनिंग जो होता है ना, वर्ड मीनिंग जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली एक वर्ड होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उसका एक मीनिंग होता है। सही है, यानी एक लिस्ट ही होती है वो असल में, लेकिन वो लिस्ट असल में क्या होती है कि की वैल्यू पेयर हो, जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी जो पेपर वाली डिक्शनरी आप सब लोगों ने मेरा ख्याल है देखी होगी, तो मैंने भी देखी थी अपने बचपन में। अब तो खैर वो यूज़ नहीं होती ना, अब तो मोबाइल में इतने सब कुछ हो गया है कि वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वरना पहले मेरे घर पे ना मेरे अब्बा के पास वो 2 3 डिक्शनरी थी, तो एक बड़ी थी इतनी बड़ी, उसको तो वो हमें हाथ लगाना ही मना था, बड़ी वाली डिक्शनरी वो लॉकर के अंदर कहीं होती थी, और 2 थी छोटी छोटी उसमें से भी वो हमें ना बड़ा मतलब इजाज़त देनी पड़ती थी उसको टच करने के लिए, भाई हमारे अब्बा के बड़े दिल के करीब थी वो डिक्शनरीज, पता नहीं। तो वो अब तो सारा मोबाइल में होता है। तो वो डिक्शनरी अगर आप देखेंगे ना, उसमें एक वर्ड होता है उसके अगेंस्ट एक डेफिनेशन लिखी हुई होती है कि जी अब जैसे कार है तो उसके आगे अब क्या होती है कार, भाई डेफिनेशन है कि कार इज़ अ व्हीकल विथ 4 व्हील और पता नहीं, और ड्राइव विथ पेट्रोल और डीजल, वो पूरा उसने लिखा होता है। तो ये उस तरह की लिस्ट जब हमें बनानी पड़ती है ना, तो जैसे वो एक एक और हम एक्टिविटी करते हैं स्कूल में कि एक वर्ड दे दिया जाता है उसका जुमला कंस्ट्रक्ट करना होता है, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, तो वर्ड सेंटेंसेस जो होता है कि जी एक आपको लिस्ट ऑफ वर्ड मिला हुआ होता है और हर वर्ड के अगेंस्ट आपको एक जुमला बनाना होता है, तो उस तरह की लिस्ट भी जब आपके पास आ जाएगा भी तो डेफिनेशन लिस्ट होती है। अगेन डेफिनेशन लिस्ट भी क्या है, यूज़र को तो वो वैसे भी दिखेगी, आप अगर मतलब किसी और तरह भी बना दें, अगर आपको अभी फ्लेक्स बॉक्स हम पढ़ेंगे तो फ्लेक्स बॉक्स से अगर उसको साइड बाय साइड चिपका दें तो दिखेगी जब भी ऐसे ही, लेकिन हमें डेफिनेशन लिस्ट को हमेशा डेफिनेशन लिस्ट से ही इस्तेमाल करना है ताकि मेरे क्रॉलर को पता लग जाए, इसकी भी सेमेंटिक मीनिंग्स है ना, कि क्रॉलर को पता लग जाए कि ये जो वर्ड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो वो उसको साथ साथ ही कंसिडर करें, ऐसे अलग अलग कंसिडर ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें, ये इसका आउटपुट है, ये वाला जो वर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये इसकी डेफिनेशन है, फिर ये जो वर्ड है उसकी ये डेफिनेशन है। अच्छा, इस स्केल वर्ड की 2 डेफिनेशन हैं, नोट कर रहे हैं आप इसमें। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने 2 डेफिनेशन लगाई हुई है, ये देखें, स्केल वर्ड एक DT है यानी डेफिनेशन टर्म। ठीक है, डेफिनेशन टर्म के अगेंस्ट एक ये पहली डेफिनेशन, ये दूसरी डेफिनेशन। ठीक है, DD का मतलब है शायद डेफिनेशन डिटेल है शायद, दिस कंटेन द डेफिनेशन। अच्छा, तो ये हमने देखा कि एक वर्ड की ना अगेंस्ट ये 2 डेफिनेशन हैं, एक वर्ड के अगेंस्ट क्या है मेरे पास 2 डेफिनेशन हैं। अच्छा, इसी तरह उसके बाद नोट करें कि ये 2 वर्ड्स हैं और उसके अगेंस्ट एक ही डेफिनेशन है,
तो ये स्क्रीन पे देखें किस तरह दिख रहा है कि ये एक वर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ ये दो डेफिनेशन आ गई, फिर उसके बाद दो वर्ड है उसकी एक डेफिनेशन है। तो इस तरह की सिचुएशंस भी इसमें हो सकती हैं, ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। उसके बाद है जी नेस्टेड लिस्ट। सम टाइम बुलेट पॉइंट्स या जो जो नंबर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हम बनाते हैं उसमें हमें सम टाइम ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि एक बुलेट पॉइंट के अंदर एक दूसरा बुलेट पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है, या एक नंबर वाली लिस्ट के अंदर एक दूसरी नंबर वाली लिस्ट आ रही होती है। मिसाल के तौर पे अगर अगर चाय बनाने की रेसिपी पे हम दोबारा वापस जाएं तो जो पहला बुलेट पॉइंट था वो ये था कि जी पानी को खौलाएं और उसमें पत्ती डालें, ठीक है, पानी को खौला के उसमें चाय की पत्ती डालनी है। तो इस स्टेप के अंदर सब स्टेप ये हो सकते हैं कि जी वो पतीली जो है वो साफ़ होनी चाहिए मे बी उसकी, और क्या कहते हैं चूल्हा कितने फ्लेम पे जल रहा होना चाहिए उसके अंदर शायद ये लिस्ट हो सकती है के, और पतीली कौन सी इस्तेमाल करनी है ना, आपको पता है पतीली कौन सी इस्तेमाल करनी है ये बड़ा मैटर करता है किसी भी खाने में, क्योंकि आपने देखा होगा पतीली के जो शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एक एक तो नीचे से गोल पेंदे वाली होती है, एक चकोर पेंदे वाली होती है, तो इसका ताल्लुक फूड हर खाना हर पतीली में नहीं बनता। तो इसी तरह चाय बनाने के लिए कौन सी पतीली चाहिए होगी, ठीक है, गोरे तो वो उसको बनाते हैं वो जो चकोर वाले पेंदे वाले में, लेकिन हम उसको बनाते हैं जो मतलब मेरे घर में जो बनती है चाय वो गोल पेंदे वाली पतीली में बनती है, और मेरी अम्मी के ख्याल में कि उसमें ज़्यादा अच्छी बनती है वो, सही है, मुझे नहीं पता, मैं तो जिसमें मिले बना देता हूँ, तो वो गोल वाली पतीली होनी चाहिए अगर ये मैंने बात लिखनी है। इस तरह के दो तीन स्टेप्स और हैं ना, पतीली कैसी होनी चाहिए, कितने फ्लेम पे होनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे माइक्रोवेव में चाय उस तरह नहीं बनती जिस तरह वो चूल्हे पे बनती है, और चूल्हा अगर कोयले वाला हो तो फिर और बात ही और है ना। जो अभी इवन जो होटल्स भी हैं ये सारे चाय के, जो ये क्या बोलते हैं उसको, चाय पे क्या, चाय के होटल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, नहीं असल होटल तो असल में उसको कहते हैं जो रहने वाला होता है, वो तो हमने होटल चाय को होटल बना दिया, वहाँ को रहता थोड़ी है जाके। अच्छा चाय वाला कहते हैं, अच्छा नहीं हम उधर हम कराची में भी एक वर्ड बोलते हैं, मेरे अभी बिल्कुल जहन से उतर गया, नहीं नहीं ढाबा तो खाने का होता है, वो जो खाने वाला ढाबा उसको कहते हैं जो खाने की जगह होती है लेकिन वो बिल्कुल सादा होती है, लोग ज़्यादातर उसमें मतलब ज़मीन पे बैठ के और देसी तरीके से खाते हैं ना जो कराची में, तो उसको हम कहते हैं ढाबा ये, तो या उसमें चारपाइयाँ लगी होती हैं चारपाई पे बैठ के खाते हैं तो उसको हम ढाबा कहते हैं, और एक जो ज़रा रेस्टोरेंट होता है उसमें ज़रा टेबल शेबल लगी होती है एसी वेसी लगा होता है उसको हम रहते हैं रेस्टोरेंट लगी। तो वेल क्या बता रहा था मैं, नहीं मैं ढाबे से पता नहीं क्या, हाँ ये बता रहा था मैं कि यार अगर मुझे पहले स्टेप के अंदर के जी पानी खोला के उसमें पत्ती डालें उसमें अगर मैं वो करूँ तो उसके अंदर सब स्टेप्स हो सकते हैं कि जी जो है ना, हाँ मैं ये बता रहा था कि कोयले पे जो बनती है ना चाय वो गैस वाले पे नहीं बनती, आजकल तो ये सारे चाय वाले अब गैस इस्तेमाल करते हैं, तो और मज़ीद जो घर में जैसे मुझे अगर घर में कभी जल्दी बनानी पड़ जाए तो वो माइक्रोवेव वाला चक्कर है, तो माइक्रोवेव में पानी गर्म तो हो जाता है लेकिन वो वाली बात नहीं आती, उसका टेस्ट नहीं डेवलप होता वो वाला। या जो इलेक्ट्रिक कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल में भी पानी तो गर्म हो जाता है, उसमें टी बैग डालो चाय भी बन जाती है, लेकिन वो बात नहीं आती जो कोयले पे या गैस पे भी एटलीस्ट एक अच्छा फ्लेवर डेवलप होता है, लेकिन माइक्रोवेव में और इलेक्ट्रिक कैटल में तो बिल्कुल ही नहीं बनता। हाँ ग्रीन टी वगैरह बन जाती है उसमें, ग्रीन टी को क्योंकि वो चीज़ ये चाहिए नहीं होती, ग्रीन टी को जस्ट वो स्टीम चाहिए होती है वो बन जाती है। तो आप देख रहे हो कि पहले स्टेप के अंदर ही कितनी सारी और डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है, हो सकती है। तो वो इस तरह से मुझे कभी नेस्टेड लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप नीचे देखें कुछ इस तरह की लिस्ट है कि जी मैंने कहा जी पानी को गर्म करें और उसमें पत्ती डालें, फिर अंदर उसके यहाँ पे लिखा है कि जी पतीली ये होनी चाहिए, अगर कोयला हो तो ज़्यादा अच्छा है वरना गैस का चूल्हा हो, माइक्रोवेव में वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे कि जी पतीली का शेप कैसा होना चाहिए, जी गोल पेंदे वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसी तरह और दो तीन यहाँ पे मैंने बात लिख दी। अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट कि जी जब पानी जब पानी के अंदर आप कलर आ जाए, कोई लिखूं मैं कोई एग्जांपल दूं कि यार इस तरह का रेड कलर आ जाए, तो आप क्या करें, आप उसके अंदर फिर दूध को शामिल कर दें, ठीक है,
और फिर उसके अब दूध को शामिल करने के सब पॉइंट्स के अंदर क्या लिखूँ कि जी दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध अलग से गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा दूध डालेंगे तो सारा फ्लेवर बेकार, तो वो गर्म दूध होना चाहिए। अच्छा, फिर गर्म दूध उसमें डालने के बाद उसको ज़्यादा देर अब नहीं पकाना, अब उसको फ़ौरन चूल्हे से अलग करना है ना। तो अब उसके अंदर ये सारे सब स्टेप्स हो सकते हैं। फिर उसको पत्ती में भी नहीं छोड़ना है, वंस वो खोल गई दूध ऐड हो गया तो फ़ौरन पत्ती से अलग कर लेना है उसको, पत्ती में रहेगी तो बस टेस्ट फिर और वो थोड़ा, असल में चाय पत्ती में, ग्रीन टी में तो आई एम नॉट श्योर कि ये होता है नहीं होता, ग्रीन टी तो मैं स्ट्रॉन्ग ही पीता हूँ, लेकिन चाय में अगर उसको पत्ती में आपने छोड़ दिया तो वो एक हद तक तो अपना वो फ्लेवर देती है पत्ती, उसके बाद ना उसके अंदर कसावट छोड़ने लगती है वो। कसावट फ्लेवर समझते हो क्या होती है? कसा नॉट कड़वाहट, जो नहीं, कसावट हम कहते हैं जो अमलोक होते हैं ना, अमलोक रेड वाला, उसको खाने के बाद जो जुबान आपस में वो फंसने लग जाती है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं उस कसावट को, क्या कहते हैं कस फ्लेवर को, इस्तख। तो वो पत्ती को अगर छोड़ दो ना उसके अंदर, पत्ती में अगर छोड़ दो उस चाय को दूध ऐड वगैरह करने के बाद, तो वो इस्तख होने लग जाती है थोड़ी देर, है हाँ ना। ग्रीन टी में तो छोड़ना पड़ता है, वरना वो फिर शुरू में पी लो तो मज़ा ही नहीं आता, थोड़ा स्ट्रांग हो फिर मज़ा आता है। तो लेकिन उसको दूध वाली चाय को फ़ौरन फिर पत्ती से अलग कर लेते हैं, या तो दूसरी पतीली में कर लेते हैं, या तो फ़ौरन कपों में डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये हमने यार आज चाय पकाने का भी कोर्स किया साथ में। अच्छा, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें उन्होंने क्या बताया, तीन तरह की लिस्ट हमें बताना बनाना बताई है उन्होंने, ठीक है, और साथ में मैंने आपको चाय बनाना भी सिखाई है। अच्छा, अब ये समरी जल्दी से आप लोग पढ़ लें, 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से समरी पढ़ लें।